अज अमृतपाल मसले के उपर अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच 50-60-70 के करीब जिहड़े सिख बुद्धिजीवी ते जथेबंदियां की वड्डी मीटिंग हुई है और उहदे विच कुछ वड्डे फैसले किए गए ने। पूरे पंजाब ते दुनिया दियां नज़रां इस मीटिंग दे फैसले सुनण ते लगियां होईयां ने और उस मीटिंग दे विच की फैसले होए ने उह सारे तुहानूं दसण लगे आ। वीडियो नूं अग्गे भेजी जायो ते अपना विचार जरूर लिखो। अज पंज वड्डे फैसले उस मीटिंग दे विच अमृतपाल सिंह दे मसले बारे होए ने। पहला फैसला यह होया कि जिन्ने भी पंजाब दे विच्चों नौजवान जिहड़े माड़े मोटे लिंक सी जां बेकसूर ने वह फड़े गए ने, जे 24 घंटे के अंदर अंदर वह ना छड़े गए तो अकाल तख्त साहब श्रोमणी कमेटी एक मुहिम शुरू करेगी सारिया जथेबंदियां सिख जथेबंदियां नूं लैके पूरे पंजाब दे विच एक वहीर कढ़ी जाएगी। पहला फैसला यह होया। यह फैसला ज्ञानी हरप्रीत सिंह सब तो पहला बोले ने उत्थे, उस तो बाद तख्त श्री केसगढ़ के जिहड़े जथेदार ने रघबीर सिंह वह बोले ने। दूसरा फैसला उस मीटिंग दे विच होया कि जिहड़ा नैशनल मीडिया ते नैशनल मीडिया के कुछ क चैनलों ने पंजाब बारे ते सिखां बारे कुछ अजिहा प्रचार किया है जिहड़ा तत्थां ते नहीं सी, सबूतां ते नहीं सी, गलत सी। ते उत्थे ये फैसला होया कि उस नैशनल मीडिया नूं नोटिस भेजे जाणगे और उस नैशनल मीडिया नूं ये कार्रवाई बंद करनी चाहीदी है। तीजा फैसला उत्थे ये होया कि जिहड़े नौजवान NSA लगा के आसाम दियां जेलां च भेजे गए ने, बई उन्हां नौजवानां नूं पंजाब च लिआउण दे लई ते उन्हां दी इह कारवाई जायज़ है कि नहीं है, इहदे उपर विचार करन लई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा रुख कीता जाएगा ते हाई कोर्ट दे विच कानूनी तरीके दे नाल सब कुछ जिहड़ा उह सामने लिआउण दी गल कीती जाएगी। चौथी गल उहदे विच इह होई है जिहड़ी मीटिंग उत्थे होई है कि जिन्हें भी जिहड़े नजायज व्यक्ति होर ने उन्हां नूं पुलिस जिहड़ी है उह 24 घंटिआं च जे रिहा नहीं करदी तां इहदे खिलाफ एक वड्डी मुहिम पूरे पंजाब दे विच छेड़ी जाएगी। ये तमाम फैसले जिहड़े अज जिहड़ी 60-70 बुद्धिजीवी ते सिख जथेबंदियां दी मीटिंग अकाल तख्त साहिब दी अगवाई दे विच हुई है उहदे विच कीते गए।